ससुराल की तो चांदी ही चांदी है, घर की लक्ष्मी के साथ साथ तिजोरी की लक्ष्मी भी तो आएगी। आए ना आए हमें इससे कोई मतलब नहीं, दहेज के हम अगर इतने ही लालची होते तो मुंह खोल के ना मांगे थे। निरंजन के बापू ने तो साफ साफ कह दिया इच्छा हो तो ही दीजिए, पर ना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमें तो बस बहुरानी चाहिए। सुनिए सुनिए जी, दहेज कैसा मिला? ठीक है, माँ बाबूजी कुछ खुश नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दहेज कम मिला हो? ऐसा हो ही नहीं सकता, अरे बहुरानी का बाप कोई ऐसा वैसा थोड़ी है, दीवान साहब है। अरे हाथी मरता है तो भी गधे से ऊंचा रहता है, दहेज में कोई कमी नहीं की होगी उन्होंने। लेकिन माँ बाबूजी तो वो छोड़ उनकी बात, उनका तो मुँह हमेशा पुरानी घड़ी की तरह लटका रहता है। चल चल बारात आ गई। चौधराइन अब अगर लाइट भी चली गई ना तो तुहार घर में कभी अंधेरा ना ही होगा। हाँ, फाल्गुनी एकदम ठीक कहती है। बस बस अब कहीं और किसी की नजर ना लग जाए, चलो बहुरानी अंदर चलो। अरे रे रे ऐसे कैसे जाएगी, पहले द्वार छिकाई देनी पड़ेगी। अरे बहुरानी ये तुम्हारी बड़ी ननद है, दो चार आने दे दो। दो चार आने, मैं क्या भिखारन दिखती हूँ? ओ बाद में दे देगी, अभी तो जाने दे। अच्छा ठीक है मैं बाद में ले लूँ, लेकिन एक शर्त है, जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा। अरे तो तुम कौन से आसमान के चांद सितारे मांग लोगी, बहुरानी कह दो दे दूंगी। आबे चलो चलो। का बहू मई के जात हो? बहुत सुंदर लग रही, चलो जल्दी चलो। पल्लू ठीक करो, आराम से चलो बहुरानी। हाँ संभल के जल्दी वापस आ जाना। हाँ भाभी याद है द्वार छिकाई के दिन तुम मुझे कुछ देने वाली थी? हाँ लेकिन आपने कहा था कि बाद में मांग लूंगी, मगर आपने तो कुछ मांगा ही नहीं। आज मांग लो भाभी, अपना ये मांग टीका मुझे दे दो ना। इसके अलावा कुछ और मांग लीजिए, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है जो मेरे पास बची है। देना है तो यही दो, वरना कुछ नहीं लूंगी। अरे का कहती हो कल्पिता, ये उसकी माँ की निशानी है। अरे निशानी है तो क्या हुआ, क्या ये इसे खा जाएगी? बहू का जब जी करेगा पहनने का ये उसे वापस दे देगी। अब ले दे के एक ही तो भाभी है बेचारी की, अब तुम ही बताओ ना बहू, तुमसे ना मांगे तो और किससे मांगे भला? ठीक है वापस आकर दे दूंगी। अरे तुम्हारे यहाँ आने तक कौन सी यहाँ बैठी रहेगी, आखिर ये भी तो ससुराल जाएगी। 10 बार तो खबर आ चुकी है कि जल्दी आ जाओ, और हम है कि भाभी के मोह में पड़े हुए हैं, लेकिन इन्हें तो हमारी चिंता ही नहीं है। ये लीजिए। देखा कितनी खुश हो गई बेचारी। माँ कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह क्या जच रहा है इस पर, बुरा मत मानना बहू, चाहे जितना भी रोको सही चीज सही जगह पर पहुँच ही जाती है। चल। बहू जी, कल्पिता के सर में इतना दर्द है कि वो तड़प रही है, इसलिए आज का खाना तुम ही बनाना। जी हाँ। सुना तुमने, तुम्हारे बेटे ने बाल्टी को कुएं में लटका कर देख लिया, चुल्लू भर पानी नहीं निकला जिसमें तुम डूब कर मर सको। हर बात घूम फिर के मुझ पर ही क्यों आ जाती है? क्योंकि तुम्हें शौक चल रहा था ना दीवान साहब का समधी बनने का है। अरे सुन रहे हो कि बहरे हो गए हो? अरे हो सकता है बहू कुछ शुभ समाचार लाई हो। शुभ समाचार लाती ना तो निरंजन उसके कमरे से गुस्से से बाहर नहीं निकलता। अब तो मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आता। तुम ना बहुत जल्दी ठंडे पड़ जाते हो। वो कैसे? अरे
तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई? उसका पत्थर सूट नहीं कर रहा था, इसलिए उसमें दूसरा पत्थर लगाने को दिया है। बाहू भी सूट नहीं कर रही है, उसका क्या करें? बाहू और पत्थर में बहुत फर्क है। पत्थर तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन बाहू वो खुद ही निकल जाएगी। वो कैसे? अरे पानी भी बूंद बूंद गिरे ना तो पत्थर कट जाता है, और अपनी बहू तो मिट्टी की बनी है, पहली ही बारिश में गायब हो जाएगी। बिल्लू भैया आया। बहुरानी बड़ा दुख देना। आप टेबल पर खाना लगा दीजिए, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। अच्छा। खाना आज भाभी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। लो बेटा, ये लीजिए। अरे भैया को भी दो ना सब्जी। ये ले बेटा। ये लो बेटा। अरे रे रे, इसमें नमक कितना ज्यादा हो गया। अरे बहू, तुम्हारा बस चले तो हमें जहर चटा दो। माँ जी, नमक कुछ ज्यादा हो गया क्या? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। पानी दे छोटी, पानी दे जल्दी। अब क्यों जान निकल रही है? खुद ही तो बिना माँ की बेटी को उठा कर ले आए। अरे माँ होती तो बेटी को खाने पीने के तौर तरीके सिखाती ना। सब तुम्हारा ही किया धरा है, भोगो आप। अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि सारी बातें घूम फिर कर मुझ पर क्यों आ जाती हैं। माँ जी, मैं फिर से खाना बना दूँ? बस बस रहने दे बहू, खाना हम बना देंगे, तू सिर्फ बर्तन साफ कर दिया कर। जी। याद रहे मैंने बर्तन साफ करने के लिए कहा है, तोड़ने फोड़ने के लिए नहीं। पर आए झर झर बहती है सुवन काहे को रोए बाबू मोरे छोड़ चली मैं अपना दैया। बेचारे के हाथन की मेहंदी तक नहीं छूटी है, और इतना ढेर सारा काम। बाप रे बाप, इतने बर्तन। आओ, लगता है चौधरायन ने पड़ोसियों के बर्तन भी इधर ही मंगा लिए। क्यों, हमारे अपने घर में बर्तन कम है क्या? वैसे भी अपना काम खुद ही करना चाहिए, काम करते रहने से सेहत भी ठीक रहती है और रात को नींद अच्छी आती है। और एक बात तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, खबरदार जो मेरे घर के मामले में टांग अड़ाई तो, समझे? अरे इतने बर्तन। जाओ चलो यहाँ से। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के। बड़े आए थे उसके हम दर्द बन के। लेकिन एक बात तो है मम्मी। क्या? तुमने बेचारे को कुछ ज्यादा ही बर्तन दे दिए हैं। अरे मैं तो और देने वाली थी ताकि रात भर घिसती रहे। वैसे भी निरंजन रात भर आने वाला नहीं है। वो कहाँ गए हैं? बैंक मैनेजर से मिलने गया होगा, इसी महारानी की वजह से तो सारा मामला खराब हुआ है। मैनेजर को पटाने के लिए दारू वारू पिलाएगा और सुबह को लौटेगा। माँ खाना तैयार है। अच्छा चल। माँ उसे मत खाना, वो कल का है और बिल्ली ने भी उसे झूठा कर दिया है। हाँ? अरे तो क्या इसे फेंकेगी? इन्हें बुरा लग रहा है ना, तो डाल दे इनकी थाली में। घूम फिर कर सारी बातें मुझ पर क्यों आ जाती है? अरे मेरे कहने का मतलब ये था, इसे बहू तो खा सकती है कि नहीं? हाँ हाँ, वो क्यों नहीं खा सकती, वो तो है ही जूठन खाने लायक। हाँ उसके लिए रख दे,
बिल्ली का जूठा खाएगी तो बिल्ली की तरह बेवफा हो जाएगी, तब ये घर भी जल्दी से छोड़ देगी। माँ जी, मैं आप लोगों से कुछ कहने आई हूँ। कहो। मुझे मालूम है कि मैं जितना सहूंगी आप उतना ही ज्यादा जुल्म करती जाएंगी, फिर भी मैं आपका हर जुल्म सहती जाऊंगी। अगर आप ये सोचती हैं कि आपके जुल्म करने से मैं ये घर छोड़ दूंगी तो आप ये गलत सोच रही हैं। एक बात याद रखिए, मैं इस घर में कोई शोभा की चीज नहीं जो बाहर निकाल कर फेंक दी जाए। मैं इस घर की दीवार या छत भी नहीं जो तोड़कर नई बना ली जाए। माँ जी, मैं तो इस घर का आंगन हूँ जो इस घर से कभी अलग नहीं की जा सकती। देखा देखा कैसे मुंह पर चोट करके चली गई, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि हर बात घूम फिर कर मुझ पर क्यों आ जाती है। सबसे पहले तुम ही गए थे ना उसे देखने और आकर बोले साक्षात सरस्वती है। अभी का रूप देखा, दुर्गा लग रही थी। अब तो इसे निरंजन से ही ठीक कराना होगा।